हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी एज यूजुअल, हाथ में देखो मेरे कपड़े धोने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक टेक ले लूँ, क्योंकि अब शुरुआत जो होती है वो काम से ही होती है, काम काम काम। तो अभी मैं थोड़ा बहुत करके काम कर लेती हूँ, फिर होंगे सलोन के लिए रेडी। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो। तो अभी मैं फटाफट से कपड़े सूखने डाल देती हूँ, धो के ही हुई हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती है। फिर रजनीश जी ने ऐसी काली पीली चाय बना के दी है, खुद पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में। क्या कर रहे हो? किसकी? वॉशरूम की पाइप नहीं, फ्लश नहीं चल रहा। जो भी अभी चेक करूंगा मैं, तब पता लगेगा वो फ्लश है या पाइप। अंदर है नक्कू के, पहले करोगे जाके? नक्कू को बाहर निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं मैम। सो गाइस, देख सकते हो आप बिना तैयार हुए, बस फटाफट कपड़े चेंज किए और चल पड़े हैं सैलून के लिए। वो इसलिए क्योंकि रजनीश जी की एक कजन सिस्टर है, वो आए हुए हैं सैलून पे, मतलब उन्होंने घर ही आना था, फिर हमने सोचा कि चलो सैलून से ही उनको घर लेके आएंगे। तो अभी जाते हैं पहले सैलून और उनसे मिलते हैं, और फिर घर वापस भी आना पड़ेगा और मार्केट भी जाना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ननंद भाई आ रही है ना, तो फिर ननंद भाई को सो वो करना पड़ता कार व्यार। तो पहले चलते हैं सैलून। गाइस, अभी मम्मा पापा गए थे सैलून और अभी वापस घर आ गए। मम्मा आज कौन है? त्रिभुआ रखे उधर बालकनी में। आपके क्या लगे? मेरी ननंद। ननंद? हाँ। अच्छा, अब दिखाता हूँ, वो एक बार घर देख रहे हैं पापा के साथ। ये दे। ए। या हमारी बुआ है। पहचान लियो पहचान लियो, के पहली बार आई तो ना ना रुके ज्यादा टाइम ये बहुत रसिक ना ना या तो ना लाल सिमारी है सूटते सिमारी लालच पूरी बुरा भैया लालच किसने निकाला मैं लाल अपने घर हूं किस चीज का लालच सर मैं तो रोज ही आ जाऊं मैं सर मैं तो बहुत रह दो चार पांच दिन तो जाऊं सके मारे दिल ला करो मारा तो टाइम को नहीं मैं और गिपी मार्केट जाके हैं, थोड़ा सा काम, और इधर हम आए हैं तो पीछे से पिज्जा पार्टी चल रही है। गलत बात है। अच्छा, ये केक है? पैडी पाई है, ये केक नहीं है। केक नहीं है गिप्पी? नहीं सी हो बने हुए हैं, पर वो पैरां दा पैडी क्यों रहा है? तो गिप्पी भी बोल रही है कहिंदा सी हो है इहदे च। ਉਸਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਗਿੱਪੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੋ ਲੈ ਲੋ ਮਿੱਟੀ ਬਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਪੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗਾਈਸ ਹੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਈਵਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਿਆ ਨਿਆ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ मतलब दिखाती है, नेट पे दिखाती रहती है कि मैम ये देखो आपके लिए ये अच्छा है ये अच्छा है। तो मेरे को ये पसंद आ गया था, एक तो इसने मंगवा लिया मेरे लिए। मैम को छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है, कुछ ज्यादा बड़ी चीजों पे भी नहीं इनकी आंखें जाती, तो मैंने आपके लिए ये मंगाया है। अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि ऐसा सा स्लीक सा अच्छा लग रहा है, युवा ये सुंदर लग रहा है ना, इसने मेरे को मंगवा दिया। तो गाइस कितनी अच्छी चीज लग रही है, अब मेरे को पहना भी दे, मैं पहन के देखू कैसी लग रही है। वो कैमरा देख के ऐसे जाता है ना, उधर से उधर निकल जाता है। उल्लर दा ही जाता उल्लर
वाओ गाइस, ये चीज मेरे को चाहिए होती है, पतली पतली स्लीक सी, और वाओ इसके साथ कुछ अच्छा सा पहनना चाहिए था मेरे को, पता है। नहीं, इसके साथ भी आप कर सकते हो। देखो बस, वाओ हाँ। तो प्यारा लग रहा है ना, ये अच्छा लगता है स्लीक सा। ये तेरे को ही दिखती है ऐसी चीजें, मेरे को तो कभी दिखी नहीं। कोई बात नहीं, इसके साथ ऐसे ही कुछ भी पहनना और कितनी अच्छी लगे ना। कल जो चूड़ा लेके आए थे, ये था वो सरप्राइज चूड़ा, आज सोनिया भाभी का चेंज करवाना है, क्योंकि जो ये वाला चूड़ा है ना, ये पुराना हो गया था, तो अब कल गांव जा रहे हैं, ये तो चूड़ा चेंज करवाते हैं। हमने हमारे पास प्रात तो थी नहीं, तो हमने दूध और इतना सा वो कर लिया, इसमें अब चूड़ा डाल देंगे हम, और कच्चे दूध में डाल के वैसे करते होते हैं। सपना भाई बू दादा बोलते ना, भैया के बोल लग रहा है, जय दादा की नहीं बाबे की। किधर गए किधर भी इधर आओ एक बार चम्मच ला के दिए ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਣੀ ਪਰ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਮਚਾ ਲਿਆਓ ਚਮਚਾ ਚਮਚ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਮਚਾ ਚਮਚਾ ਅਦਰ ਗਿੱਪੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖਾਣਾ ਚਮਚਾ ਜਮਈ ਸਿਓ ਜਮਈ ਸਿਓ ਖਾ ਗਿਆ ਚਮਚਾ ਲੋ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ उधर बेड़ा की कर दिए गवैया कितों बुलाया एडे बेसुरे पार्टी मिल गई है मेरे को, नोट वोट बहुत कमा लिए मैंने, मीठा मुंह तो करा दिया, दिखा करा दिया मीठा मुंह, तुम सबब करो मीठा मुंह, आ देख लो ये देख लो ये देख लो इधर इधर इन्होंने गाने गाए ओए इन्होंने गाने गाए हैं और नहीं, और कैमरामैन जो अपन एकदम इतनी मेहनत करके अच्छे अच्छे टेक लेता है, बिल्कुल देख पूरा डिब्बा ले गए और गाना गाना ने बुला रखी चली उन्होंने पूरा चेक कर दी। ओ मैं वापस ही तोड़ लेने थे,
लाइट भी ला लो फिर करा दो मैं भैया होता भी है मैडम आप एक काम करिए नहीं काम है मेरा बढ़िया से लेके दो सुबह मैंने कहा है प्लीज चूड़ा उसका सुबह मैंने कहा है प्लीज एक बढ़िया पैसे नहीं चाहिए वो क्या बात है आज तो बन गई हो देखो गाइस इतना बड़ा लेक मिला मेरे को थैंक यू सो मच हुड्डा भैया इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए तो गाइस हुड्डा भैया ने मेरे को गिफ्ट में चेन दी है चूड़ा बधाई की आ जाओ हम एक हमारा एक फोटो ले दो अच्छा सा इस चेन के साथ मानते हो मेरे भैया ये मैंने डाल दी गले में एक तो बिपी है एक तो बाउंसर और हायर कर दो फिर मैं ऐसे घूमूंगी तो अब खाना खान के बाद मैं ही हूँ और चैन पड़ी और नहीं चल मैं बंद करता कैमरा बंद करता एक बार काला बंदा था जीपी से थोड़ा ज्यादा था ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਦਾ ਸਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਰੋਦ ਰੋਦ ਗਿੱਪੀ ਵਹੁਟੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਣੂਗੀ ਗੱਲ अगर सोनिया सोहनी है तो भी गिप्पी की सोहनी नहीं गिप्पी हुण देख ले तेनू चैलेंज हो गया ना करो फोन ले आओ रिश्ता भाभी दे पैर ही पै जा गिप्पी बताओ कैसे चलते यहाँ चल रहा खाने का प्रोसेस और क्या नैना खाना रोटी बना रहे हो परांठे बनाओगे इस टाइम परांठे बनाऊंगी पति जब है चलो बढ़िया जी रोटी बना लो पतली पतली चपाती मोटी मोटी और हमारी कोमल काट रही है सब्जी मैं लगा रहा हूँ तकड़ा और तड़का भाई के हाथ में जब बेलन हो तो बात करनी नहीं चाहिए भाई शांत रहो अब कोमल वन लाइन ठोकने वाली है जल्दी बोल दे बेटा बोल दे कंट्रोल ना कर ऐसे ना सेठी कंट्रोल ऐसे ना कर चलो लगाऊंगे तगड़ा और तड़का बोलने में लगाओगे तो गाइस आज मैं गया था मूवी देखने भूतों वाली शैतान मम्मा आज मूवी देखने गया था मैं भूत वाली तू रोज़ हमारा ही हो रखा है तू मेरे पीछे से मैं तेरे को बता दिया अरे छुट्टियां चल रही है ना तो छुट्टियां चल रही है तो कोई काम कर ले घर का आप क्यों नहीं गए वो उसमें भूतों वाले में सारा दिन वेली थी मैं
तुम तो बाप बेटो ने मेरे वो कर रखा है भूत निकलने हो रहे थे भूत भूत मेरा घर ही निकलने हो रहा है जला रखा था ये चूल्हा सारा पता नहीं क्या उबाल रखा था इसमें तू नहीं चलेगा तो दुकान ले दे मैंने यार देख हाल देख लो गाइस इसका एक हरियाणा में कहावत है छेने के साथ भूत पिसता हुआ ना तुम तो पिसोगे पिसोगे सुनी है कि बाप बेटे के साथ बाप पिसता बेटे के साथ बाप के साथ बेटा पिसता हो क्या बता नहीं उल्टा काम को नहीं सारा चूल्हा जला रखा था अभी मैंने रोटी खानी भूख लगी है पर मैं सफाई करती खाऊं हेलो मैं कोमल कर देंगे क्या अब तो कर ही लिया भाई सारा तू देखा मूवी देख के आ तू कर देगा